तो ऐसे रामनारायण जी नागर होते हैं और मेरा वादा है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ताली बजाने की नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके सहज ही आपके हाथों से तालियां निकलेगी। आपके भवानी मंडी के व्याख्याता हिंदी श्री रामनारायण जी नागर को मैं जोरदार तालियों के साथ आपको सौंपता हूँ, नाम करता हूँ ज्यादा। उसके बाद समस्त बालकों के पालकों, किराएदारों, मकान मालिकों, बैठे हुए, खड़े हुए, माताओं की गोद में लेटे हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को सत सत नमन करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है उगे सभी पादा पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ सबको नमन करता हूँ। कीड़े मकोड़े गोईरा सांप डिंडू बिच्छू सबको नमन करता हूँ। डाकन भूत चुड़ैल जन जो भी यहाँ है सबको मेरा सर सर नमन, क्योंकि ये सब हमारे रक्षक हैं। और अभी ये भेरू चौहान कह रहे थे कि लाल भाई माताजी बैठी, पर लाल भाई माताजी नहीं होती नहीं तो थका भी पता नहीं चलता। अच्छा, ये लाल भाई को आशीर्वाद मान लो। अच्छा, जो आज मंच पे बैठे हुए। अच्छा, और लाल भाई के जब मन में आगे नहीं तो था जगह नहीं मिलेगी आगे पाछे देख बन। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सभी यहाँ के मित्र मंडली और नवयुवक मंडली को साधुवाद के इस प्रकार से आयोजन आपने किया और हमें बुला करके जो सम्मान दिया, आदर सत्कार किया, उसके लिए जो है आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं अच्छा भला बैठा था, बढ़िया आनंद आ रहा था मुझे, जिसने भी मुझे उठाया इस भेरू लाल ने, बहुत अच्छी बात है, कल भगवान इसको भी ऐसे ही उठा ले। देखो भाई साहब, मैं मेरी काया माया को लेके बैठा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा श्रोता है। देखो, नेताओं से देश नहीं उठ रहा है, ये यहाँ का बच्चे को नमन करता हूँ, इसने पूरी कुर्सी उठा ली भाई साहब, कुर्सी की हर जगह दौड़े, और ये जरूर जो है राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि कुर्सी, देखो क्या बात है, इसे कहते हैं बुद्धिमान बच्चे। और ये कब के कह रहे कि बेरू को उठा लें, बेरू को उठा लें, मैं मेरी काया माया को लेके बैठा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये दो जवाब के चाल बात, नहीं नहीं आप तो बड़ा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्ग कर ली, आपको आदेश हो तो थोड़ा आदेशित करो, आप खुलो एक बार, आप हम आपके बच्चे हैं छोटे। अब तालियां जितनी है उतनी तो आएगी नहीं, अब आप तो टोबला भर की ताली की जगह कह दो कि गाड़ी भर के दे दो तो गाड़ी भर के आएगी तो मिलेगी नहीं। क्या जब से तुमको देखा है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, ऐसा लगता है भवानी मंडी के मसाणों से जिंदा भूत भाग आया है। कई बात है ना, भेरू जी से राम ही पूरे पड़े, पर इनका माजना इसलिए हो रहा। अच्छा, ये शुरू से सही है, इनकी कही है कि शादी नहीं हो रही थी तो मेरे से बार बार कह रहा था भाई साहब कहीं भी जुगाड़ हो तो देखो नहीं, हटी उठी आधे में जाता आता रहा, मैंने की देखा ना बेरू तो चिंता मत कर दे। तो मैंने एक बार जो है देख लिया सतुना, मैंने की जो छोरी सही है, आपने बेरू लाल ने भी की थी उनके भी चाहिए, तो मैंने इससे आगे की, मैंने की बेरू तू हसी कर के बनी, तारी शादी करनी हो तो कर्जे नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं, पर एक बार तू हसी कर लड़की तो देखिया। तो इन्हें की के मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा। मैंने की क्यों, कि जब पर्वत से कूद नहीं है तो गहराई नापने का क्या फायदा। अच्छा चलो ठीक, समझ में आ गया तो ताली बजा दो, यशा ही चलेगी ताली। और अब मैं आपको कुछ सुना, उससे पहले मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आगे अपनी बात को रखूँ, लंबा सफाई स्वागत तय करेंगे। स्वागत, एक बार क्या हुआ साहब की मेरी नई नई पोस्टिंग हुई। अच्छा, स्कूल में। अच्छा, अब साहब मैं ऐसे वातावरण से गया हूँ जहाँ पर बिल्कुल साफ स्वच्छ, अपना भवानी मंडी नगर तो एकदम साफ स्वच्छ है, यहाँ तो जो है बचपन से लेकर के 55 तक से भी देखोगे एकदम वेल अप टू डेट मिलता है। और अपन जिस परिवार से निकले हैं, जिस वातावरण से गए हैं, तो अपन जहाँ भी जाएंगे ऐसा ही वातावरण बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ पे मैं गया हूँ तो वहाँ इसके ठीक विपरीत वातावरण मेरे को मिला, एकदम गंदा बसड़ा। अच्छा, और स्कूल भी नया नया, वहाँ हेडमास्टर भी मैं ही, मास्टर भी मैं ही, भाई भी मैं ही, ताला भी मैं ही खोलूं, झाड़ू भी मैं ही निकालूं, पानी भी मैं ही भरूं, हाजिरी भी मैं ही भरूं, दुनिया भर का काम मेरे जुम्मे।
बच्चों को मैंने देखा तो जो है उनकी ऐसी हालत की 8-8 दिन में वो नहाए, क्योंकि वहाँ वातावरण ही ऐसा ही है, उनको कहीं मतलब नहीं है, नहाने धोने से अपने काम से मतलब है। तो मैं गया, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया मैंने उन बच्चा बच्ची से, न्यू की मैंने किया गाना गजरा नजर आओ, देखो तो ऐसा करो तुम नहा के आया करो और हाथ अगर ना नहीं सको तो कम से कम हाथ मुंह धोया करो। अच्छा, और स्कूल में अच्छा तेल वेल लगा करके साफ जब कपड़ा पहन करके चकाचक होकर के आया करो। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, दो चार दिन बाद जो है कुछ असर हुआ, बच्चे थोड़े साफ सुथरे दिखने लगे। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि एक बच्चों सो बिल्कुल सूख लो रहे हो और जो आस्तीन की वाया थी दोनों तरफ जो है रंगीन हो चुकी थी नाक और पूंछ कर। सही बात। मैंने उससे कहा रहे मैंने की गोपड़े आ गए कहीं गुरु जी, मैंने की तू नायो नहीं कर देख तू कस हो रही, तू थार में बास आ रही, तू असो जा घर जा और ना के। अच्छा अच्छा। तो गोपाल कहीं है कि सीधो सीधो चलो स्कूल से उठो कक्षा में से सीधो घर चलो गए। तो गोपाल के भाई ने की के कर कर गोपाल उन्होंने की कहे भाई के कर कर ये भी तो स्कूल लागो तो नहीं पे छुट्टी भाई। अच्छा ये कौन है भाई छुट्टी थोड़ी भाई अबे करू आयो के मटर सामने की जो थार में बांस आए मटर सामने बढ़िया। तो अब गोपाल की भाई की हुंसारी देख लो आप। अच्छा उड़ने उड़ी ना तो नीलायो ना धुलायो ना हाथ पांव धुलाया होगा ना हाथ में धुलाया कुछ भी नहीं करे और गोपाल की भाई पकड़ के ना सीधी सीधी घसीटी घसीटी चली आ रही। चोरा का पांव आधी जगह टकरी आधी जगह नहीं टकरी और चली आ रही सीधी। अब होना बच्चा है पढ़ा रहे तो वह कुर्सी लगा के बैठी हमारे नजर आ गई वहां से मन की गोपालिया मार साहब थाने अभी भगाए तो मैंने की भाई के साथ आ रहे हो अब खेलनी है संभाल लीजिए परिस्थिति का ही हो। मैंने कहा ठीक है साहब बच्चा से कहती मैंने की कोई बोलेगा नहीं चुपचाप बैठ जाओ साहब और अपना अपना जो काम है गिनती लिखो पहाड़ा लिखो नाराम लिखो कोई नहीं बोलेगा। ठीक बच्चा अपना काम में लग गया और भाई थोड़ी सी वहां से और आगे आ गई और स्कूल में स्कूल का कमरा नहीं था ऐसे चबूतरा था जो स्कूल भी चबूतरे पे लगता था। मैंने कुर्सी बच्चों की तरफ कर ली और बैठ गया। अब गोपाल की भाई पास में आकर के बोली गया ओ मास्टर साहब। अच्छा मैंने सुनी नहीं। अच्छा उन्होंने की ओ मास्टर साहब मैंने की कही कहते हैं ना छोरे छोरी बड़ा होकर सुनो क्या बात है दादा। मैंने की भाई ठीक है अब की बार खेती अब के छोराए सपना जो रुवे ताको काम बना पाओ कि आकर दे दो नहीं आकर लिखेगा। मैंने की भाई ठीक है आगे जो भी करना है फिर किया मेरे हाथ में। तो कई कई बार ऐसी परिस्थितियां बढ़ जाती है। क्या बात है बहुत बढ़िया और सामना करना पड़ता है। उसी गांव में साहब जो है दो धीरे धीरे जो है पढ़ाई का दौर शुरू हुआ और थोड़े बच्चे पढ़े लिखे हो गए। तो एक बार क्या है उन्होंने घूमने का मानस बनाया कि चलो अपन मथुरा चलांगा ना गोकुल चलांगा ना वो दिल्ली चलांगा ना आगरा चलांगा फतेहपुर सीकरी चलांगा। तो उनने जो है एक बासाब से भी कहती उनने की बासाब आप भी चल रहे हो कि बोलो कहाँ जा रहे हैं कि मैंने की घूमबा जा रहे हैं। तो कि चलो तो भी बासाब उनके साथ चल गया दिल्ली गया फतेहपुर सीकरी गया दीवाने आम देखा दीवाने खास देखा सब दूर अतरा मथुरा सब दूर देखने के बाद में आखिर में वो गए आगरा और आगरा में गए आगरा का ताजमहल देखने। अच्छा तो जैसे ही आगरा का ताजमहल में गए तो उन्होंने बासाब ने देखी बाप बाप अदरो लंबो चौड़ो बाड़ो। अच्छा कोटा ने कोटा कहीं नहीं है तो उन्हें गोपाल से पूछ ली उन्होंने कर कर गोपाल के कहीं बसा अपनाए मिल जाए तो। अच्छा अरे के भाषा भी अपनाए मिलेगा ही इनको देखवा का पैसा लगे अरे मिल जाए तो अरे नहीं मिले नहीं बात कर अभी नहीं कर गोपाल अपना मिल जाए तो नहीं मिले भाषा बड़ी घर पे खेलू को टापरा पे खेलू ही नहीं है अतरा पैसा लगे इनका अरे पर नहीं फिर भी मिल जाए तो। तो गोपाल ने कहा भाषा अगर ये अपना मिल जाए तो यह बताओ तो इनको करोगा कहीं भाषा आपने की रे बेंडा है डांडा कीड़ा बांधा का नहीं चारों पूर्व पड़ता। अरे वाह क्या बात है दादा बढ़िया हर चीज का तोड़ है वो अपने अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। भाई साहब मैं एक दिन स्कूल जा रहा था और उसी गांव में जो है एक थोड़ा संपन्न परिवार था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके ट्रैक्टर लाया क्योंकि खेती में परेशानी आवे जो दूसरा को ट्रैक्टर मांगो बार बार टाइम पे मिले नहीं मिले। अच्छा तो उन्होंने कही करी के बैंक से लोन ले लिया और ट्रैक्टर ट्रैक्टर ले लिया उन्होंने। अब ट्राली की व्यवस्था नहीं बैठी तो कोई बात नहीं उन्होंने की अपने पड़ोसी की मांग ला तो बेरुलाल जी के ट्रैक्टर है सही बेरुलाल की ताली मांग लांगा ट्रैक्टर अपने नया हो गया। अब साहब ट्रैक्टर की आपने देखी होगी हैवी ट्रैक्टर का चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है ट्रैक्टर का ड्राइवर अगर बन गया तो वो सब वाहन चला लेता है फिर। अच्छा, बस जीप कार और मोटर चलाना तो फिर भी आसान है लेकिन ट्रैक्टर का चलाना बहुत मुश्किल होता है। सही है
कहे हो साहब उनका टेक पे लिया है, अभी एक दिन काम पड़े हो गारो गोबर लावा को दापने लावा को, तो उनने की ट्राली नहीं है कहीं करा। अच्छा तो बेरू लाल के पास गया, उनने की दादा बोलो कहीं ऐसे का ट्राली दे दे नहीं मारे दापने लाने, उनने की ले जाए। अब वो साहब जो है ट्रैक्टर के लिए ट्राली बांध करके ले गए, ट्राली बांध ली और उसको भर करके, और एक रास्ता था उनका जो थोड़ी संगड़ी गली थी उस गली में वो ट्रैक्टर ले जा रहा, अब उसको इधर घुमाना है तो उनसे बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक्टर घूम नहीं रहा। अब वो क्या ट्रैक्टर इधर घुमावे तो ट्राली हो जाए, ट्रैक्टर यूँ घुमाए तो ट्राली हटी जाए, उल्टी चलती है ट्राली हमेशा, तो बहुत ध्यान से उल्टाना पड़ता है। तो बार बार परेशान हो गया वो, आखिर परेशान हो गया तो पास में सामने दो भाई साहब बैठे थे। अब देखिए आप अकल बुजुर्गों की कितनी होशियार होते हो। अच्छा अच्छा वो भाई साहब देख रहे थे, उन्होंने की ये कारू के कई भाषा क्या या तो रहे बोलो भाषा कई क्यों ट्रैक्टर थारे बाप से नहीं पलटे। अच्छा क्यों ट्रैक्टर थारे बाप से नहीं पलटे, उन्होंने की कहा भाषा का नहीं पलटे पलटे जाएगा। अच्छा के नहीं पलटे ये कहानी पलटे सारा बात ट्रैक्टर तो नव ट्राली जो क्या बात है दादा बढ़िया बढ़िया। तो कई बार कई परिस्थितियां नई नई चीजें देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक गीत गीत से जोड़ता हूँ, बिल्कुल दादा को आदेश हो गया, बड़ा शानदार गीत है आपका और मैं गीत सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ साहब, भारत में कवि सम्मेलन हुआ, बुलावा आया और यहाँ से दो तीन कवि हम यहाँ से गए। अब वहाँ जाकर के जो है कवि सम्मेलन का सीधा सीधा प्रसारण नजारा आपको सुनाता हूँ मैं। स्वागत है दादा, क्या स्थिति बैठी स्वागत और कितना मजा आता है देखो। ये कवि सम्मेलन में जाना ये भी यूं ही नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, जिसे हौसला अतरा हो वही जा सके। सही बात कत तारस का कारसर वामे साधा कवि पधारिया। अच्छा कत तारस का कारसर वामे साधा कवि पधारिया, तो तारस की जनता ने वहां बर्तन में सारा भाई भाषा तो समझ में आवनी आपको के नहीं आती सब समझ में आता है। आई कौन सा अमेरिका का दुनिया है। सही बात है सब समझ लिया है सब यही थे। तो तारस का कारण सर्वा में साता कवि पधारिया, तो तारस की जनता ने वहां बर्तन मनसा रही वाले। अब जोतिया में कवि बढ़ाने जाज मा तणवाई छी और कविता का नपटा पाछे सात पड़ी बनवाई। क्या बात है बढ़िया है बढ़िया है। तो जोतिया में कवि बढ़ाने जाज मा तणवाई छी, कविता का नपटा पाछे सात पड़ी बनवाई छी, तो घना मजा आया कविता में गीत बाल में बगिया। अच्छा घना मजा आया कविता में गीत बाल में भगया और जनवर जनवर पानी पड़ गयो लोग दिन से उठिया। क्या बात है बढ़िया। तो आज भी चा में ऐसी बड़ी जे कटी न होई बासू और सारा में चौमासो आ गयो काई सुनाऊ ता सुन। अरे वाह क्या बात है क्या बात है। आज भी चा में ऐसी बड़ी जे कटी न होई बासू और सारा में चौमासो आ गयो काई सुनाऊ ता सुन। तो झरमर झरमर मेवो बरसे सावन का जड़ लागया। अच्छा कर झरमर झरमर मेवो बरसे सावन का जड़ लागया और शीतल मंद पवन का झोंका वा सुखावा लागया। अच्छा शीतल मंद पवन का झोंका वा सुखावा लागया। तो तड़के होता घर की चिंता सबके ज्ञान लागी, तड़के होता घर की चिंता सबके ज्ञान लागी, तो तारस का काचा गेला पे बड़ी बड़ी। अच्छा क्या बात है वाह वाह। तो एक तरह तो रीतो ही जो मैं सारा सु भर गयो, एक तरह तो रीतो ही जो मैं सारा सु भर गयो और अश्वर्या जब ऊ में बेटी मारो मरणो हरक्यो। अच्छा अश्वर्या जब ऊ में बेटी मारो मरणो हरक्यो, तो गूर 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 ट्रक चालियो चारू पाया भर गया। अच्छा के गूर 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 ट्रक चालियो चारू पाया भर गया, आदरा में मन सोची रे तो पाया मर गया। क्या बात है। अच्छा गूर गूर का ट्रक चालियो चारू पाया भर गया, आदरा में मन सोची रे अब तो पाया मर गया, तो ट्रक ट्रक कलेनर बोलियो के पाया धक्का दे लिया। अच्छा के ट्रक ट्रक कलेनर बोलियो भाया धक्का दे लिया, या अदवी जा में नाव पड़ी जो सारा ही बनने के लिया। क्या बात है बढ़िया है वाह वाह। के ट्रक ट्रक कलेनर बोलियो भाया धक्का दे लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कि ट्रक ट्रक कलेनर बोलियो भाई धक्का दे लिया और ये आदमी चा में नाव पड़ी जो सारा ही बोलने के लिया, तो धक्को देर ट्रक में बैठिया। कि धक्को देर ट्रक में बैठिया बोली मन ने सोची बच गयो, कि धक्को देर ट्रक में बैठिया मन ने सोची बच गयो, पर चार कदम आगे न सको जी के फली गज गयो। चार कदम आगे न सको जी के फली गज गयो, तो आठ मील आठ घंटा में कान भूसो आया। देखो कि आठ मील आठ घंटा में कानपुर से आया और झालावाड़ की रोड में सुनार फुड़िया घर आया। अच्छा अब आप घर का हाल देख लो। तो घर ने आता है घर वाली खबर लगी कि कुंभकता की बाढ़ नारी बेरन नंद रक्षा की। अच्छा
मन की रोटी बोले बेगी सीख बुड़वा दे या बाता ने गारा का पावा ने दो लिया और दो लिया हाथा ने। अब रोटी खार दरी पर बैठिया। अब सुनो मजे की बात तो है। अच्छा, रोटी खार दरी पर बैठिया, गोली मोड़ा आया। रोटी खार दरी पर बैठिया, बोली मोड़ा आया। अब सांझी सांझी कह दो साजन कटना पीसा लाया। क्या बात है, वाह वाह बढ़िया। अब सांझी सांझी कह दो साजन कटना पीसा लाया। अब सुन जो साहब, मन की 51 में 30 करायो। अच्छा, थिले कार लिफाफो मिलियो 51 रुपया। अच्छा, और 30 रुपया लगे किराया। तो मन की 51 में 30 करायो, 20 बचा था बाकी। जो गुस्सो खार जोर से बोली कि अकल फूट गई था कि ऐसा धंधा करो। तो 51 में 30 करायो, 20 बचा था बाकी। जो गुस्सो खार जोर से बोली कि अकल फूट गई था कि मन की 60 रुपया को मफलर कम गयो। अच्छा, मन की 60 रुपया को मफलर कम गयो, बाता हो की पूरी। अच्छा, मंडी और कानपुर के बीच पड़ गई 100 कोसा की दूरी। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है।